हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र। आज हम सीखेंगे सिंपल टेक्निक, प्लॉस से कैसे अम्ब्रेला ड्राइंग बनाते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो। और ऐसे नए नए ड्राइंग सीखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो शुरू करते हैं। अभी हम कैसे अम्ब्रेला बनाएंगे। पहले एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे बड़ा करके। उसके बाद एक स्लिपिंग लाइन खींचेंगे, ऐसे हमारा प्लस हो गया। अभी हमको क्या करना है, उसके ऊपर से इसे कर्व लाइन खींच के ये लाइन के साथ जॉइन करना है। फिर दूसरे साइड भी ऐसे कर्व करके इस लाइन को ऐसे जॉइन करना है। अभी हमारा हाफ सर्कल बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अम्ब्रेला का शेप करना है। ऐसे यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, ऐसे करना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो जॉइंट हो गया ना, यहाँ पे ऐसे लाइन जॉइंट करना है। फिर इस साइड भी ऐसे एक लाइन जॉइंट करना है। और ये लाइन को जब पकड़ता है ना डंडा बोलते, ये लाइन को ऐसे इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा कर देंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। ये जितना बड़ा हो गया उसको थोड़ा मिटा देंगे। अभी ये अम्ब्रेला बन गया। इसको ऊपर भी ऐसे दिखा देंगे और ये लाइन को सब मिटा देंगे। बाद में ये लाइन को हम मिटा देंगे। ये अम्ब्रेला बन गया। अभी यहाँ पे डिजाइन कर देंगे। अभी ये अम्ब्रेला बन गया। तो हम कलर करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्केच करेंगे, नहीं तो हम मार्कर से भी कर सकते हैं। इसको ये लाइन के ऊपर ऐसे, ये लाइन के ऊपर ऐसे, ये लाइन के ऊपर ऐसे, फिर ये लाइन के ऊपर ऐसे, फिर इस लाइन के ऊपर ऐसे, और ये इसको पूरा ऐसे स्केच करने से और थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। अभी स्केच हो ख़त्म हो गया। इसको कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर लेंगे, हर हमारा मर्जी से हम कलर दे सकते हैं इसको। तुम्हारा मर्जी से भी तुम कलर कर सकते हो। ग्रीन अलग अलग जगह में हम अलग अलग कलर करेंगे। जैसे इस जगह में ग्रीन, ऐसे पहले की लाइन के साइड में कलर करना है। उसके बाद अंदर कलर करना है, उसके अंदर कलर करना है। पहले साइड में करने के बाद हम अंदर कलर कर देंगे। और ध्यान देना है जैसे बाहर नहीं आएगा, ये कलर सब अंदर रहेगा, बाहर नहीं आना चाहिए। बाहर आएगा तो ये ड्राइंग खराब, थोड़ा ख़राब दिखाई देगा। जैसे कलर हो गया, फिर दूसरा कलर रेड, पहले साइड में देना है ऐसे कलर। उसके अंदर बीच में देना है। इसे इसको पूरा कलर करना है।
इसके बाद हम येलो कर देंगे। अलग अलग जगह में तुम अलग अलग कलर कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी से कलर भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अच्छा दिखना चाहिए। ये येलो हो गया और यहाँ पे हम ब्लू कर देंगे। उसको ठीक से कलर करना है, तुम टाइम देके थोड़ा ठीक से कलर करोगे। ये बन गया और ऊपर हम क्या करेंगे, वायलेट कलर कर देंगे। और इसको सिल्वर कलर कर देंगे और इसको भी वायलेट कलर कर देंगे। और इसको भी हम कलर भी कर सकते हैं अच्छा दिखने के लिए। तो कैसा लगा हमारा ड्राइंग? ऐसे तुम ड्राइंग कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करके दे सकते हो।